जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कराची में कियामत का मंज़र। बाप ने तीन बेटियों के गले काट दिए। जब मोहल्ले वालों ने दरवाज़ा खोला तो शोहर बीवी को ज़िबा कर रहा था। कराची के वाक़े में अहम तरीन इनकिशाफात सामने आ चुके हैं। अगर आप आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे कि एक बाप किस तरह अपनी तीन मासूम बेटियों और अपनी बीवी को किस तरह कितने दर्दनाक अंदाज में कत्ल करता रहा। बेटियां रोती रहीं, बाबा हमें ना मारो। बेटियों को किसके कहने पर ज़िबा किया, संगदिल बाप का भी बयान सामने आ चुका है। बीवी वॉशरूम से आई तो देखा तीनों मासूम बेटियां तड़प रही थी और जालिम बाप ने उन पर छुरियां चला दी थी। पहली बेटी को जब ज़िबा किया तो छोटी बेटी डर कर मेरे ही पांव से लिपट कर रोने लगी। संगदिल बाप ने सबको क्यों मारा, कहानी में नया मोड़ आ चुका है। दिल दहला देने वाले वाक़े की मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जब कमरे में आई तो बिस्तर पर तीनों बेटियां खून में लथपथ पड़ी रो रही थीं। फवाद की वालिदा का दिल दहला देने वाला बयान सामने आया है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, ये असेब और बदरूहों का काम है। ताहम जो अभी तक की रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि फवाद ने नशा कर रखा था, और वो भी कोई आम सा नहीं बल्कि आइस का नशा, जिसमें सामने वाले को तकलीफ़ में देखकर बहुत आराम मिलता है और बंदा मजबूज होता है। मामला गुर्बत का नहीं बल्कि गैरत का निकला है, क्योंकि फवाद का रिसेंटली जो बयान सामने आया है उसमें उसका ये कहना है कि मैं गरीब था और मुझ पर कर्ज भी था, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी और उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टर मेरे घर के रोज़ाना चक्कर लगाते और मुझे धमकियाँ देते थे। लेकिन असल मामला गुर्बत का नहीं बल्कि गैरत का निकला है। बेटियों और बीवी को ज़िबा करने वाला जब घर आया तो क्या देखा, मलीर वाक़े में नया पहलू सामने आ गया है। पहले बीवी को मारा, फिर तीनों बेटियों के भी गले काट दिए। बच्चियों को ज़िबा करने वाले वाक़े में नया मोड़। फवाद से पहले घर में कौन आया था, और इस हवाले से अहम इनकिशाफ सामने आया है कि जब फवाद घर पर आया तो उससे पहले वही इन्वेस्टर जिन्होंने फवाद को धमकियां दी थी वो उसके घर पर भी आए थे। बीवी और बेटियों को मारने से पहले क्या कुछ हुआ, फवाद की बीवी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। कोई गुर्बत नहीं थी, फवाद जलाद आदमी था। साले के बयान ने तहलका मचा दिया है और सच सामने आ चुका। फवाद की बेगम का इब्तदाई मेडिकल किया गया, जिसमें तशद्दुद और ज़ख़म के निशानात भी सामने आए हैं। ज़ख़म और तशद्दुद के निशानात किसी और ने नहीं बल्कि फवाद ही मारता पीटता था। उसका भाई कहता हालात इतने ख़राब नहीं थे कि कत्ल करता। भाई और लड़की के वालिदैन ने दिल दहला देने वाला बयान रिकॉर्ड करवाया है। फवाद नामी शख्स 29 नवंबर दोपहर 1 बजे काम से जल्दी घर वापस आता है। वालिदा से मुलाकात करके ऊपर चला जाता है, जहां पर उसकी बीवी और बेटियां होती हैं। और ऊपर फिर ऐसा क्या हुआ कि तीन सगी बेटियों समेत बीवी का गला काट दिया। तीन मासूम बेटियां और बीवी 20 मिनट तक तड़पती रहीं। आखिरकार जालिम ने इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी। लड़की के वालिदैन ने पोस्टमार्टम करवाने से भी इनकार कर दिया, लेकिन इब्तदाई मेडिकल किया गया। उसी रात को किया गया मेडिकल में दिल दहला देने वाला इनकिशाफ सामने आया है कि अहलिया के जिस्म पर ज़ख़म और तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं, और ये ज़ख़म के निशानात पुराने और ताज़ा भी हैं। फवाद रोज़ाना अपनी बीवी को मारता पीटता था, लेकिन बेटियों के जिस्म पर कोई तशद्दुद का निशान नहीं मिला तो फिर मासूम कलियों को क्यों काटा। फवाद चूँकि अभी बोल नहीं सकता, लिहाजा उसने लिखकर स्टेटमेंट दी है कि मेरी बीवी को मेरी माँ से नफरत थी और मैं अपनी माँ के हाथ चूमता था और मेरी बीवी मुझे इस बात पर ताने देती थी। लेकिन इन सब में मासूम बेटियों का क्या कसूर था,
इन्हें क्यों इतनी बेरहमी के साथ कत्ल किया। मारने से चंद मिनट पहले फवाद ने सऊदी अरब में मौजूद भाई को कॉल करके कहा कि मैं इनको मारने जा रहा हूँ। फवाद के भाई ने उसी वक़्त अपनी वालिदा को कॉल करके बताया और वालिदा दौड़ते हुए गई। इन सब में तकरीबन 7 से 8 मिनट का टाइम लगा। और अभी जो है सबसे बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इसमें ना सिर्फ फवाद बल्कि उसके घर वाले भी मुलव्वस हैं, क्योंकि जब उनको काटा गया, उनके गले काटे गए, तो उस वक़्त वो चीखें मार रही थी। और फवाद की वालिदा ने जो बयान रिकॉर्ड करवाया है उसमें वो कहती है कि जब ऊपर से चीखने की आवाज़ें आईं तो मुझे लगा कि शायद ये मियां बीवी का झगड़ा है, कुछ ही मिनट में ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर जब कॉल आई और पता चला कि उसने गले काट दिए हैं। जब किसी की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हों और वो उस वक़्त चिल्ला रहा हो तो वो आम सा चिल्लाना नहीं होता। अगर घर में झगड़ा हो तो उसमें दोनों तरफ से ही बाकायदा जो है वो तलक कलामी की जाती है। लेकिन जब किसी को मारा जा रहा हो, जब किसी के सामने तीन बेटियों को कत्ल कर दिया गया हो, तो उसमें चीखना चलाना वो आम चीखना चलाना नहीं होता। और फिर भी फवाद के घर वालों में कोई भी उस वक़्त आगे नहीं आया, जिससे ये साबित होता है कि फवाद की पूरी फैमिली ही इस केस में मुलव्वस है और सबको ही गिरफ्तार करना